उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो गया है। मेरठ थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के पहलवान नगर स्थित नूर गार्डन में लगातार बारिश होने के कारण एक मकान भरभरा कर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। क्षेत्रवासियों का गुस्सा नगर निगम पर है। आपको बता दें कि थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के पहलवान नगर स्थित नूर गार्डन में कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण खाली प्लॉट में पानी भरने के कारण एक मकान भरभरा कर नीचे आ गया, जबकि मकान का लेंटर पिलर पर बना हुआ था और यह मकान काफी मजबूत बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी गली के खाली प्लॉट में पानी भरने के कारण मकान लेंटर सहित नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि मकान खाली था, इस मकान में अभी कोई नहीं रह रहा था। मकान में कोई रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस मकान में कुछ मोहल्ले के बच्चे खेलते थे और कुछ आवारा किस्म के लड़के भी इस मकान के अंदर बैठे रहते थे। आज बारिश होने के कारण इस मकान के अंदर ना ही तो बच्चे खेल रहे थे और ना ही आवारा किस्म के लड़के बैठे हुए थे। जिस वक्त ये मकान गिरने की स्थिति में था, तो उस वक्त दो व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे, जिन्हें आवाज देकर दूर किया गया, वरना वे इस मकान की चपेट में आ जाते और कोई गंभीर हादसा हो सकता था। इदरीस भाई, ये जो मकान गिरा, क्या मामला हुआ, किस कारण गिरा? ये पानी भर रहा बुनियाद में, साइड में। इसमें पहले तो गिरी पीछे वाली दीवार इसकी, फिर गिरी ये साइड वाली, वो तो फिर पूरा लेंटर गिर गया। और वो तो अच्छा कोई था नहीं इसमें, और एक बड़े में जा रहे थे बेचारे, वो बच गए, नमाज पढ़ने जा रहे थे। ये किसका मकान है? ये इनका मकान है। अच्छा, तो ये निर्माणधीन था या बना हुआ था पहले? यो एक साल हो गया लगभग इस बने हुए मकान को, तो ये तैयारी कर रहे हैं इस मकान की। तो बारिश के कारण, बारिश से गिरा हो पानी से, जो पानी मराने इसकी बुनियाद में, उससे गिरा है मकान। पिलर के गड्ढे जो खुदे हुए, पिलर के गड्ढे जो खुदे हुए पानी में, उसमें पानी भर गया। आसपास के मकान को कोई क्षति तो नहीं पहुंची? कोई दिक्कत नहीं आई, कोई नुकसान किसी को? कोई दिक्कत नहीं आई, भाई इसमें आई दिक्कत बस, जानी कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दावा भी नहीं है इसमें, बच गया वैसे तो। तो सिर्फ बारिश का कारण है पानी भरने का? पानी का और बारिश का कारण। तो ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? नूर गार्डन कॉलोनी है, यहाँ नाली बिस्मिल्ला गार्डन है और ना ही यहाँ पानी का सिस्टम है निकलने का, नाली पानी कुछ नहीं है। आपका? मेरा नाम अब्दुल बासित है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैंने कम से कम 10 एप्लीकेशन नगर आयोग को दे रखी है इसके रास्ते के सिलसिले में। बराबर में पानी की निकासी नहीं है, तो पानी भरा रहता है प्लॉटों में, इसी कारण कॉलोनी में और कई मकान गिरे हैं पानी की निकासी ना होने की वजह से। लेकिन नगर निगम बिल्कुल सोया हुआ है, नगर निगम ने हमारी आवाज़ को दबा कर रखी, ना ही हमारी कोई बात सुनी, जिसकी वजह से इसके अंदर बच्चे खेलते रहते थे। आज ये बारिश होने के कारण बच्चे नहीं थे, बच्चे अगर इसमें खेलते होते तो एक बड़ा हादसा होता। तो अब जो ये घटना हुई है, बारिश के पानी की वजह से घटना हुई है, ये 4 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। उसकी वजह से कई मकान जो हैं वो आपस में एक दूसरे से खिलते जा रहे हैं, और पानी की वजह से जो नी कमज़ोर होती जा रही है, उसकी वजह से ये बैठा है। इसकी अभी हम लोग वहाँ पर बैठे हुए देख रहे थे, तो कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, उन बच्चों को हमने भगाया, क्योंकि हमें दिख रहा था ये मकान गिरने वाला है। तो ये मकान किसका, क्या नाम है इनका? अब्दुल अजीम नाम है। तो किसी को हानि तो नहीं हुई, किसी जानमाल का नुकसान? जानमाल की हानि नहीं हुई। एक व्यक्ति इधर से आ रहे थे, वो एकदम से वापस भाग गए, अगर वो आगे को आ जाते तो इसके नीचे वो दब जाते। अच्छा, अब नगर निगम से क्या शिकायत है आपकी, क्या चाहते हैं? हम कल जो है, कल इंशाल्लाह धरना प्रदर्शन करेंगे नगर आयुक्त के यहाँ पे, अपनी पूरी टीम को ले जाके और इलाके के लोकल लोगों को ले जाके। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में इसमें कोई भी सड़क निर्माण नहीं है, नालियों का निर्माण नहीं है। क्षेत्र के लिए हमने 10 एप्लीकेशन लगा रखी है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 10 एप्लीकेशन लगा रखी है, और वो मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखा सकता हूँ। अभी जैसे कि मैंने पिछले दिनों खबर चलाई थी एक, जिसमें शिकायत की थी लोगों ने कि अवैध डंपर चलते हैं यहाँ पर जी, उसी की वजह से रास्ते ज्यादा खराब हैं यहाँ के। नहीं, अवैध डंपर तो सभी जगह चलते हैं, अवैध डंपरों की वजह नहीं है ये, अक्सर उसकी वजह है जो एक 10-10 बारिश की रास्तों की खुदाई हुई है, कभी सीवरों के नाम पर, कभी पानी की लाइन के नाम पर, लेकिन वो खुदाई तो करके चले जाते हैं, लेकिन उसको रास्ते को प्लान नहीं करके जाते, वो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, उसकी वजह से वहां पर पानी भरता है और वो गहरे गहरे खड्डे हो जाते हैं। ठीक, ये स्थिति नगर निगम की वजह से हुआ है। यहाँ की गलियां व सड़कें नई बनी हुई है, जिसकी शिकायत कई बार हमने नगर आयुक्त दफ्तर जाकर की है,
लेकिन हमारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है और यहाँ का पूरा क्षेत्र जल भराव से भरा हुआ है। आने जाने वालों वो पूरे क्षेत्रवासियों को कोई भी हादसा होने का खतरा बना रहता है। हम चाहते हैं कि यहाँ की सड़कें जल्द से जल्द बनाई जाए, क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान किया जाए। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।